अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम माइनक्राफ्ट में बनाएंगे एक वीट क्रॉप्स उगाएंगे और पोटैटो क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे उनको उगाने के लिए। तो यहीं पे हम लोग एरिया बना लेते हैं अपने क्रॉप्स का। तो सबसे पहले ओक लोग यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो इसी तरह चारों तरफ से हम लोग ये लकड़ियाँ लगा देंगे। लकड़ियाँ लगाने के बाद जो है ना, उसके दरमियान में हम लोग सैंड रख के पानी वगैरह डालेंगे, इतनी ये काफ़ी है। आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उसी हिसाब से जो है ना आप लोग अपना फील्ड बड़ा कर सकते हैं। तो इस फील्ड के लिए जो है ना ऑटो फार्म भी आप लोग जनरेट कर सकते हैं वीट का और क्रॉप पोटैटो का। तो इस फार्म में जो है ना हम लोग वो पोटैटोज़ भी उगाएंगे और वीट भी उगाएंगे। तो ये हम लोग वन बाय वन यहाँ पे लगाते जाते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग लगा लेंगे। तो हमारे पास लकड़ियाँ हैं पड़ी, तो चारों तरफ हम लोग ये जो है ना लकड़ियाँ वगैरह लगाते जाएंगे। ये चारों तरफ इसके हम लोग लकड़ियाँ लगा देंगे। और इसको जो है ना इसके यहाँ से भी फिल कर देंगे। तो जब भी हम लोग इसका वीट वगैरह का क्रॉप्स बनाएंगे तो कुछ देर टाइम लगता है इसको ग्रो करने में, तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे। यहाँ से हम लोग काट लेते हैं ताकि इन दोनों को आपस में मिला सकें। तो अब इस एरिया को जो है ना हम लोग वो आपस में मिला देंगे। और पानी भरने के लिए जो है ना वो हमें बकेट की ज़रूरत होती है। बकेट मैंने पहले ही बना लिए हैं, तो अब हम लोग पानी वगैरह उसमें भरेंगे और सेंटर में इसके जो है ना वो पानी पुट कर देंगे। तो इन ब्लॉक्स को जो है ना अब हम लोग आपस में मिला देते हैं। जितना ज़्यादा ये बड़ा हुआ हम लोग उतनी ज़्यादा जो है ना वो उतनी ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह की ज़्यादा होगी और हमारी फूड की रिक्वायरमेंट जो है ना वो उनसे पूरी होती रहेगी। तो जब भी आप लोग पोटैटो वगैरह के फार्म लगाना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें अक्सर भूख लग जाती है। जब भूख लग जाती है तो फिर हमें खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो ये फार्म हमारी जो है ना वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। ये लकड़ी ये बॉक्स यहाँ से काट लेते हैं। और इसके दरमियान में जो है ना हमें वो सैंड की ज़रूरत है। सैंड इनके दरमियान में हम लोग फुट करते जाते हैं वन बाय वन। सैंड के ब्लॉक्स जो है ना वो मैं उठा लेता हूँ। अभी मेरे पास सैंड के ब्लॉक्स नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने वो अपना स्टोरेज के लिए कोई एक हाउस बनाएंगे, क्योंकि नीचे स्टोर करते हैं। ये जो मेरी बॉक्सेस हैं जहाँ पे हम लोग सामान पुट करते हैं वो फुल हो चुके हैं, इसलिए हम लोग नीचे वाले पोर्शन में जो है ना वो अपने बॉक्सेस बनाएंगे जहाँ पे हम लोग अपने सामान वगैरह डाल सकें, ताकि सामान वगैरह रखने के लिए कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे जो है ना इसी एरिया के दरमियान में जो है ना वो हम लोग सैंड लगाते हैं जाते डर्ट। तो इसको जो है ना यहाँ से फिल कर देंगे, बस पानी की जगह रखेंगे ताकि हमारे फील्ड को जो है ना पानी मिलता रहे और वो ग्रो करेंगी। अगर पानी नहीं मिलेगा इन्हें तो ये उग नहीं सकेंगी, इसलिए जो है ना पानी की इन्हें ज़रूरत होती है। और पानी भरने के लिए जो है ना एक बकेट वगैरह बनानी पड़ती है लोहे की, वो ज़रूरी होता है। अब इनकी जो सेंटर वाली लाइन है वो वहाँ पे हम लोग पानी डालेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे इसके साइड में जो है ना वो डर्ट फिल कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग ये फिल कर देते हैं। तो शाम भी होने वाली है गाइस, तो शाम से पहले अगर होता है तो ठीक, वरना शाम के बाद हम लोग ये कर लेंगे। तो फिर रात को जो होते हैं ना बहुत सारे मॉन्स्टर्स वगैरह ज़ॉम्बीज वगैरह आ जाते हैं। अब रात हो चुकी है तो हम अपने घर की जाने पड़ते हैं और वहाँ पे सोते हैं। तो फिर सुबह आएंगे देखेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग सो लेते हैं, तो सुबह होते ही हम लोग चल पड़ेंगे और अपनी फील्ड को जो है ना वो कंप्लीट कर देंगे। होप सो इस दिन ये जो है ना हमारी फील्ड जो है ना वो क्रॉप्स वगैरह उग जाएं। और यहाँ पे जो है ना एक जॉम्बी हम पे अटैक कर देता है, तो इसको मार देता हूँ मैं पहले। इसको आग लगी है, चलो ये मर जाएगा। उसके बाद भी जो जादूगर होते हैं जॉम्बी, वो उसका पता नहीं क्या नाम होता है, जो पॉइजन फेंकता है, वो भी हम पे अटैक करता है, उसे भी हम लोग मारेंगे। इसको मकड़ी को मैं मार देता हूँ। इससे हमें जो है ना मकड़ी को मारने के बाद हमें स्ट्रिंग वगैरह मिलते हैं। स्ट्रिंग जो है ना वो एरो एरो का रबड़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तीर बनाने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग ये फिल कर देते हैं। और सेंटर में जो लाइन है वो पानी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। पानी हम साइड वाली नदी से हम लोग भर लेंगे, उसकी कोई उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग चलते हैं और अपनी बकेट में पानी भर के आते हैं और इसको दरमियान में डाल देते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं पोटैटोस और वीट को जो है ना वो पानी की रिक्वायरमेंट मिलती रहे, वो अच्छे से ग्रो करें। तो ये दोनों बकेट्स मैं फिल कर लूँगा पानी से। करीबी नदी है तो हमें ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपनी फील्ड की तरफ और यहाँ पे जो है ना मैं पानी डाल दूँगा इनके दरमियान में। इससे जो है ना मैं यहाँ पे पानी डाल देता हूँ। और अब क्रॉप्स वगैरह के लिए जो है ना स्टोन हो हम यूज़ कर रहे हैं, इस सरफेस को हम लोग इस तरह कर लेंगे, क्योंकि ये इसके बगैर जो होगी ना ये हम लोग बीज इनके नहीं बो सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये स्टोन हो वगैरह बना बना लिए मैंने, और ये इसके बाद ही हम लोग जो है ना इनको उगा सकेंगे। पूरी सरफेस को कंप्लीट हम लोग इसी तरह कर लेते हैं। तो ये मैं करता जा रहा हूँ। इसके बाद ही जो है ना वो हम अपने वीट और पोटैटो के क्रॉप्स वगैरह लगा सकेंगे। तो अब मैं इनके सीड्स वगैरह को जो है ना वो इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि सरफेस तो मैंने कंप्लीट कर दिया और तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये वीट के सीड्स हैं और ये पोटैटो के, तो इस साइड पे जो है ना हम लोग वीट लगा देते हैं। ये इस तरह से मैं लगाता जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो है ना ऑटो फार्म भी बना सकते हैं, जो खुद ब खुद जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास आ जाती है, लेकिन मैं ये बनाऊंगा। फ़िलहाल स्टार्टअप फार्म है हमारा, जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है हमारे, बाद में वो भी बनाएंगे। तो हमने अपने जो है ना वो वीट के जो सीड्स हैं वो लगा दिए हैं। अब बारी है हमारे पोटैटो की फील्ड लगाने की, तो हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। एक एक करके पोटैटो जो है ना वो हम लगाते जा रहे हैं, और पोटैटोज़ वगैरह लगाने के बाद जो है ना वो हमें कुछ दिन वेट करना होता है फील्ड ग्रो करने में। तो ये ग्रो होने में कुछ दिन लगाती हैं, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा कुछ दिन इनके बड़ा होने के लिए। तो ये हम लोगों की फील्ड कंप्लीट हो चुकी है, और इनके अराउंड जो है ना मैं वो ग्लासेस भी लगा देता हूँ, ग्लासेस इनके अराउंड लगा देता हूँ। तो रात भी होने वाली है, जो मैंने सुबह जो है ना मैं इसके लिए ग्लासेस लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं सो के आता हूँ, तो सुबह के दिन वो जो जादूगर वाला ज़ॉम्बीज़ होता है वो हमारे पास आता है। वो कई बार मुझे मारता भी है, लेकिन उससे फिर भी मैं फाइट करता हूँ। अब ये देखिए, ये वाला ज़ॉम्बी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। ये एक चीज़ मारता है जिसे मार ही जाता है, बंदा बहुत डेंजरस है। बहुत बार मुझे मारते हैं, मैं बचने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इनसे बच नहीं पाता, बहुत डेंजरस होते हैं। इनके लिए जो ना अच्छा वेपन हो आपके पास, सहर हो, ये आगे आ जाता और सामने से आके मुझे मार देता है। छुपने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बच नहीं पाता, और यहीं पे ये जो है ना मुझे मार देता है। अब मैं आता हूँ दोबारा, खैर अपना बदला तो हम लोग ले ही रहेंगे।
तो मैं दोबारा इस पे जो है ना अटैक करता हूँ। एक यहाँ पे अकेला फिर रहता है, वो तीन जब आते हैं तो तीनों एक ही साथ मुझ पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ। तो इसको मैं मार लूँगा, ये मैंने मार लिया। अब मैं जाता हूँ पीछे वाले की तरफ, पीछे वाले की तरफ जो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो काफ़ी दूर चला गया, तो इसलिए मैं उसको जाने देता हूँ और उसको नहीं मारता, क्योंकि बिना मतलब पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी ये बहुत मुश्किल से हमें मारा है, हमें एक दफ़ा मारा भी है इन्होंने, क्योंकि ये तीनों एक साथ आ गए ना, गिर एक एक करके आते तो मैं मुझसे शायद ना मरता मैं इनसे। तो हमारी जो है ना वो फील्ड कंप्लीट हो चुकी है, अराउंड इसके अराउंड हमने, तो इसके अराउंड मैंने ग्लासेस भी लगा लिए हैं, तो ग्लास लगा लिए हैं। और यहाँ पे मैं कॉपर स्टोन स्टेयर लगा लेता हूँ, ये उल्टी लगी मुझसे। तो कुछ देर तक हमें जो है ना वो वेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसा जो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसको हम लोग जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अंदर जाता हूँ तो हमारी जो है ना वो अच्छे से ग्रो भी कर रही हैं और आराम से बड़ी हो रही हैं। तो हमारा जो ये ना फार्म बन चुका है पोटैटोज़ और उसका वीट का, आप लोग चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो इस चीज़ की। तो